हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग गाइनोजियम के इंट्रोडक्शन को समझे थे। गाइनोजियम जो फ्लावर के फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है। गाइनोजियम का यूनिट कार्पेल और पिस्टिल होता है, और एक जो टिपिकल कार्पेल और पिस्टिल होता है उसका 3 कंपोनेंट्स होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो इस डायग्राम से समझने का कोशिश कीजिए, ये कार्पेल और पिस्टिल है और इसका ये 3 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट वन इज स्टिग्मा ऊपर वाला, फिर ये जो पतला और लंबा है स्टाइल, और ये जो नीचे सबसे बड़ा है ये ओवरी। तो हम लोग पिछले क्लास में इस कार्पेल और पिस्टिल के नंबर के आधार पर, संख्या के आधार पर फ्लावर के टाइप को पढ़े थे। दो तरह का फ्लावर, यूनि कार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी। और जो मल्टी कार्पिलरी फ्लावर होता था उसका फिर दो टाइप था, एक सीन कार्पस और दूसरा था एपोकार्पस। आज हम लोग इस कार्पेल और पिस्टिल के एक एक कंपोनेंट को समझेंगे, जिसमें सबसे पहले है स्टिग्मा। ये स्टिग्मा, तो देखिए ये स्टिग्मा ऊपर का स्ट्रक्चर है, और जैसा कि मैं बताया था कि ये डिस्क की तरह होता है। यदि आप इस मार्कर को समझें तो ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये प्लेट की तरह, डिस्क की तरह है। तो ऐसा ही होता है स्टिग्मा, और इसके ऊपर पॉलन ग्रेन आता है, यह पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। तो उसे इसे बोलेंगे स्टिग्मा को, कि यह रिसीव करने वाला यानी कि रिसेप्टिव डिस्क के तरह का स्ट्रक्चर होता है, और यह उड़ करके आने वाले पॉलन ग्रेन को जगह देता है। तो इसे बोलते हैं कि यह पॉलन ग्रेन को लैंडिंग प्लेटफॉर्म देता है। चूंकि पॉलन ग्रेन उड़ करके आकर के यहां गिरता है, तो बोलेंगे यह पॉलन ग्रेन को गिरने के लिए, लैंड करने के लिए जगह देता है, यानी कि प्लेटफॉर्म देता है। और इसके ऊपर बहुत सारा केमिकल निकलता है, जिसको, और उन सारे केमिकल को एक साथ बोलते हैं स्टिग्मेटिक सेक्रेशन, जिसमें हार्मोन्स और एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स खास करके होता है, जो यहां पर आने वाले पोलन ग्रेन के ग्रोथ और डेवलपमेंट और जर्मिनेशन के लिए जरूरी होता है। तो इस स्टिग्मा के बारे में 3 इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, समझ गए? तो देखिए, स्टिग्मा के बारे में पहला इंफॉर्मेशन है कि यह ऊपर का रिसेप्टिव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, यह लैंडिंग प्लेटफॉर्म देता है पोलन ग्रेन को, और यह सेक्रेट करता है, अपने सतह से रिलीज करता है बहुत सारे केमिकल्स को, जिसको एक साथ बोलते हैं स्टिग्मेटिक सेक्रेशंस। और यह केमिकल्स, जैसा कि अभी जस्ट बताया गया है, कि यह केमिकल्स पोलन ग्रेन को यहां पर ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने में और जर्मिनेट करने में मदद करता है, हेल्प करता है। तो यह स्टिग्मा था। अब हम लोगों को जानना है यह दूसरा पार्ट, जिसे बोलते हैं स्टाइल। तो स्टाइल पतला और लंबा है, पतले और लंबे को बोलते हैं सिलेंडर, सिलेंडर नहीं सिलेंडर। तो ये सिलेंडर लाइक है, पतला और लंबा है। अब देखिए, अब आगे के बात को समझने के लिए इस डिस्कशन को सुनना है ध्यान से। यहां पर जब पॉलन ग्रेन आता है तो ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है नीचे की तरफ, ये अंकुरित हो जाता है, और फिर ये इस तरफ ग्रोथ करता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो इस, ये जब पॉलन ग्रेन ग्रोथ कर जाता है, सॉरी जर्मिनेट कर जाता है, पॉलन ग्रेन ऐसा होता है, और जब ये जर्मिनेट कर जाता है तो ऐसा होता है, इसे बोलेंगे पॉलन ग्रेन, और लेकिन इसे बोलेंगे पॉलन ट्यूब। तो देखिए, ये स्टाइल क्या करता है, इस पॉलन ट्यूब को ग्रोथ करने के लिए या फिर इंटर करने के लिए एक पैसेज देता है। ये स्टाइल जो पतला और लंबा है, इस पॉलन ट्यूब को पैसेज देता है इंट्री के लिए या फिर ग्रोथ के लिए। और इस पॉलन ट्यूब के अंदर में 2 मेल गैमेट होता है। तो हम दोनों बात कह सकते हैं कि यह स्टाइल इस पॉलन ट्यूब को इंट्री करने में हेल्प करता है, या फिर इस मेल गैमेट्स को इंटर करने में हेल्प करता है, दोनों बात कह सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि यह प्रोवाइड करता है पैसेज, रास्ता प्रवेश करने के लिए या फिर वृद्धि करने के लिए पॉलन ट्यूब को, और फिर पॉलन ट्यूब के माध्यम से मेल गैमेट्स को। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये ओवरी है। तो कार्पेल और पिस्टिल का सबसे इंपॉर्टेंट और नीचे का जो पार्ट है वो ओवरी है। ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और बेसल पार्ट है, और इस ओवरी के अंदर जो ये जगह है, ये अंदर का जो ये खाली जगह है, इस अंदर के खाली जगह को ओवेरियन कैविटी कहते हैं, और इसी ओवेरियन कैविटी का दूसरा नाम लोक्यूल है। अब इस लोक्यूल के बेसिस पर 2 तरह का ओवरी है।
दो तरह का ओवेरी है, एक होता है यूनिलोकुलर और दूसरा होता है मल्टीलोकुलर, नाम से ही क्लियर है। यदि ओवेरियन कैविटी के अंदर ये जो ओवेरियन कैविटी है इसकी संख्या यदि एक होगी तो यूनिलोकुलर, और एक से ज़्यादा होगी तो मल्टीलोकुलर, जिसका बस एग्जाम्पल दे दिया गया है। यूनिलोकुलर नाम से ही क्लियर है, एक ओवेरियन कैविटी एक लोक्यूल का होना, और मल्टीलोक्यूलर मतलब एक से अधिक लोक्यूल का होना, और दोनों का एग्जाम्पल मैं दिया हूँ। अब हम लोग आगे कुछ बातों को समझते हैं, और उसको समझने के लिए मैं कुछ इधर थ्योरी लिखता हूं, उस पर ध्यान देना है। अब नोट में कुछ इंफॉर्मेशन रखना है यहां, तो तीन पॉइंट मैं लिखूंगा। नोट में पहला पॉइंट है, नोट का पहला पॉइंट है इनसाइड ओवेरियन कैविटी अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। कॉल्ड प्लेसेंटा। अब दूसरा पॉइंट है, ओव्यूल इज कनेक्टेड विथ ओवेरियन वॉल थ्रू प्लेसेंटा। और तीसरा पॉइंट है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल एंड प्लेसेंटा इन ओवेरियन कैविटी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। तो अब इस तीनों पॉइंट को समझिए जरा ध्यान से, जिसमें पहला पॉइंट है कि इस ओवेरियन कैविटी के अंदर में एक कुशन की तरह, एक गद्दे की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है प्लेसेंटा। तो यह स्ट्रक्चर प्लेसेंटा है, समझ गए। देखिए, ओवेरियन कैविटी में एक गद्दे की तरह, एक कुशन की तरह स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। अब है क्या, अब ओव्यूल जो है, यह ओव्यूल ये रेड कलर का, ये ओवेरियन वॉल से जुड़ा हुआ होता है इस प्लेसेंटा के माध्यम से। ओव्यूल जो है ये ओवेरियन वॉल से जुड़ा होता है इस प्लेसेंटा के माध्यम से। तो ओव्यूल जुड़ा होता है ओवेरियन वॉल से किसके थ्रू, किसके माध्यम से, प्लेसेंटा के माध्यम से। और ये जो अरेंजमेंट है ओव्यूल और प्लेसेंटा का ओवेरियन कैविटी के अंदर, इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं प्लेसेंटेशन। और ये प्लेसेंटेशन अलग अलग टाइप का होता है। तो अब हम लोगों को प्लेसेंटेशन के टाइप को समझना है। यहां तक आप लोग समझ गए, ये प्लेसेंटा है, ओव्यूल प्लेसेंटा के माध्यम से ओवेरियन वॉल से जुड़ा हुआ है, और इस दोनों का अरेंजमेंट जो यहां पर है, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं, जो अलग अलग टाइप का होता है। तो अब हम लोग प्लेसेंटेशन के टाइप को देखते हैं। तो अब हम लोगों को जानना है टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। अब टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन जानना है, इसका जो पहला टाइप है उसका नाम है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन। जो दूसरा टाइप है उसका नाम है एक्साइल प्लेसेंटेशन। जो तीसरा टाइप है उसका नाम है पेराइटल प्लेसेंटेशन। उसके बाद जो टाइप है वो है फ्री सेंट्रल।
और जो लास्ट टाइप है उसका नाम है बेसल प्लेसेंटेशन। ये पांच तरह का प्लेसेंटेशन है और इसमें सबको एक एक को डिफाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक डायग्राम बना करके इन सारे टाइप को हम लोग समझते जाएंगे। तो एक एक एग्जाम्पल दे देना है, जैसे मार्जिनल का एग्जाम्पल पी है, एक्साइल का एग्जाम्पल पोटेटो है, पेराइटल का एग्जाम्पल मस्टर्ड है, और ये जो फ्री सेंट्रल है इसका एग्जाम्पल डायंथस है, और जो बेसल है इस बेसल का एग्जाम्पल सनफ्लावर है। तो ये फाइव टाइप का प्लेसेंटेशन है और सबका एक एक एग्जाम्पल है, अब हम लोग समझते हैं। देखिए, पहला है मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो मटर में होता है। तो बारी बारी से हम लोग प्रत्येक टाइप के प्लेसेंटेशन को समझेंगे। तो सबसे पहले मार्जिनल की बात करते हैं। देखिए ध्यान से, ये मान लिया जाए ओवेरी है और अंदर का जगह ओवेरियन कैविटी है, और ओवेरियन कैविटी में मान करके चलते हैं बहुत सारा ओव्यूल है, और ये सारा ओव्यूल ओवेरियन वॉल के इस किनारे से जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा के माध्यम से, तो ये कहलाता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। समझ गए? किसी एक तरफ, किसी एक मार्जिन पर ओवेरियन, ओवेरियन वॉल के किसी एक तरफ जब बहुत सारा ओव्यूल प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा हुआ हो तो इसे बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, एक्साइल की। तो फिर से देखिए, ये एक ओवेरी है और इस ओवेरियन कैविटी का तीन चैम्बर है, इसमें तीन लोक्यूल हैं। अब इस तीनों लोक्यूल में ओव्यूल प्रेजेंट है, तो एक ओव्यूल यहां, दूसरा ओव्यूल यहां और तीसरा ओव्यूल यहां, और ये रहा तीन प्लेसेंटा। तो इस तरह का जब अरेंजमेंट होगा प्लेसेंटा और ओव्यूल का, तो इसको बोलेंगे एक्साइल। क्या बोलेंगे? एक्साइल बोलेंगे। बात समझ गए? तो मार्जिनल था, एक्साइल था। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, पेराइटल की। अब देखिए, पेराइटल को समझते हैं। ये ओवेरी है, अंदर का जगह ओवेरियन वॉल है, सॉरी ओवेरियन कैविटी है, और ये जो ओवेरियन वॉल है इसमें चारों तरफ, हर तरफ, हर तरफ जुड़ा हुआ है ओव्यूल। तो इसे, इस ओव्यूल और ये जो प्लेसेंटा का अरेंजमेंट है इसे बोला जाता है पेराइटल प्लेसेंटेशन। अब हम लोग बात करेंगे फ्री सेंट्रल की। तो फिर से ये ओवेरी है, अंदर ओवेरियन कैविटी, और यहां एक स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर से चारों तरफ बहुत सारा ओव्यूल जो है वो जुड़ा हुआ है, इसे हम लोग बोलेंगे फ्री सेंट्रल। और लास्ट में क्या है, बेसल। तो ये ओवेरी है, अंदर ओवेरियन कैविटी है, और ये ओव्यूल है, और ये नीचे की तरफ कनेक्टेड है बेस की तरफ प्लेसेंटा के माध्यम से, तो ये हो गया बेसल। तो देखिए, ये था मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ये ओव्यूल है। एक्साइल प्लेसेंटेशन, यहां पर ये एक्सिल में, इस एक्सिल में ओव्यूल है और प्लेसेंटा है, चारों तरफ किनारे पर ओवेरियन वॉल का, तो ये पेराइटल प्लेसेंटेशन है। बीच में तो फ्री सेंट्रल है, और बेस की तरफ तो क्या है, बेसल प्लेसेंटेशन है। इस तरह हम लोग जो है प्लेसेंटा को समझे, प्लेसेंटेशन को समझे, और प्लेसेंटेशन के ये पांचों टाइप को समझे डायग्राम के साथ। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ओवेरी के अंदर ओवेरियन कैविटी, और ओवेरियन कैविटी में ओव्यूल प्लेसेंटा के माध्यम से जुड़ता है, ये अरेंजमेंट प्लेसेंटेशन है। अब हम लोगों को ओव्यूल को जानना होगा।